नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्म्यूडा आइलैंड के बीच में मौजूद समुद्री हिस्से को यूं तो आज हम लोग बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, और इस समुद्री हिस्से में हो रही अजीबोगरीब घटनाएं और मिस्ट्रीज की वजह से ही आज लोग इस बर्म्यूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी बुलाते हैं। तो आखिरकार क्या है असली मिस्ट्री बर्म्यूडा ट्रायंगल की? इस जगह पर प्लेन्स और शिप गायब कैसे हो जाते हैं, और इसकी शुरुआत असल में हुई कहां से थी, और तो और साइंटिस्ट ने इतनी पुरानी Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water. This is the kind of weather that you see in the Bermuda Triangle. Drills were constant on saving your life after you ditched. यूं तो लोग ये मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री लोगों के बीच उजागर होती है साल 1945, जब 5 दिसंबर के दिन यूएस नेवी के 5 एवेंजर टोपेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से अपने रूटीन ट्रेनिंग के लिए एक साथ अपना सफर शुरू करते हैं। इस 5 एयरक्राफ्ट के सफर को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19, और इस सफर को उस टाइम पर लीड कर रहे थे काफी एक्सपीरियंस पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। लेकिन इस सफर के शुरू होने के कुछ देर बाद ही पायलट्स प्लेन में मौजूद कंपास में हो रही अजीबोगरीब मूवमेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी पायलट्स का कंपास काम करना ही बंद कर देता है। पर उन लोगों की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि उनके कंपास काम करना बंद कर गए, बल्कि बाहर के खराब मौसम की वजह से ना तो वो रेडियो पर सही से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, और तो और सभी प्लेन में लगे दूसरे इक्विपमेंट भी मैल फंक्शन कर जाते हैं, जिसके बाद सभी पायलट की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने प्लेन पर वापस कंट्रोल नहीं कर पाते, और फाइनली जाकर फ्लाइट 19 के पांचों प्लेन हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। लेकिन इन 5 प्लेन के गायब होने के बाद बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री चर्चा में तब आती है जब इन प्लेन को ढूंढने के लिए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मार्टिन PBN-5 मरीनर नाम की शिप गायब हो जाती है, और इसी वजह से लोगों के बीच बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री फेमस होने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस जगह पर यही दोनों घटनाएं हुई थी, बल्कि इनके अलावा साल 1948 में स्टार टाइगर प्लेन, एक फिशिंग स्किफ और एक एयरबॉर्न ट्रांसपोर्ट DC-3 भी बड़े रहस्यमय अंदाज में गायब हो गए थे, और साल 1949 में स्टार एरियल नाम का प्लेन भी इस एरिया से गायब हुआ था। यूं तो लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी घटनाएं हुई थी बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास, लेकिन एक एस्टिमेट के हिसाब से अब तक 50 के करीब शिप्स और लगभग 20 एयरप्लेन बर्म्यूडा ट्रायंगल से गायब हो चुके हैं। लेकिन इतने इंसिडेंट के बावजूद भी आज तक किसी को ना तो बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब हुए लोगों का कोई ट्रेस मिला, और ना ही शिप्स या प्लेन का मलबा। हालांकि इतने डिसअपीयरेंस के बाद इस एरिया में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को लेकर अलग अलग अफवाहें भी उड़ने लगती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी थी बर्म्यूडा ट्रायंगल रिलेशन विद द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस। इस थ्योरी के हिसाब से काफी लोगों का ये मानना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के अंदर असल में मौजूद है द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, और क्योंकि ये रहस्यमय अटलांटिस सिटी क्रिस्टल की एनर्जी का इस्तेमाल करती थी अपनी सिविलाइजेशन को पावर देने के लिए, और क्योंकि आज भी समुद्री सतह पर ये एनर्जी अभी भी मौजूद है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस शिप्स और प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इंटरफेयर कर जाते हैं, जिसकी वजह से शिप्स और प्लेन्स में लगे इंस्ट्रूमेंट काम करना ही बंद कर देते हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साल 2001 में 2 साइंटिस्ट ने कोस्ट ऑफ क्यूबा पर बिल्कुल बर्म्यूडा ट्रायंगल की बाउंड्री के करीब एक रोबोट समरसेबल पानी के अंदर उतारा, और इस रिसर्च के दौरान उन्होंने पानी के अंदर जायंट पिरामिड्स और स्पिंक्स जैसे स्ट्रक्चर की खोज करी, और काफी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि काफी हद तक ये चांसेस हैं कि ये जायंट पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स असल में लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस से काफी कोरिलेट करते हैं। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब ये अंडर वाटर इमेजेस इस सिटी की देखी तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि इन स्ट्रक्चर पर कई सिंबल और इंस्क्रिप्शन गुदे हुए थे। अब भले ही बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास एक एंशिएंट सिटी जरूर डिस्कवर हुई थी, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट के पास ये प्रूफ नहीं था कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास हो रही ये अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे असल में वजह अटलांटिस सिटी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी मिस्ट्री सिर्फ अटलांटिस सिटी तक ही सीमित है, बल्कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री एलियन अबडक्शंस, टाइम वोर्टेक्स, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स और सी मॉन्स्टर्स तक जाकर जुड़ती है। वेल, ये चल क्या रहा है मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। चलिए बताता हूँ कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का असली सच क्या है। तो असली सच है हम और आप, जी हाँ,
हम सभी इंसानों को कुछ ना कुछ अनोखा, विचित्र और मिस्टीरियस कहानियों का शौक हमेशा से ही है। इसीलिए हम जब भी कुछ अजीबोगरीब अपने इर्द गिर्द होते देखते हैं तो उसको हम दूसरी अजीबोगरीब घटनाओं से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से भले हम किसी नतीजे पर पहुंचे या नहीं। लेकिन ये बात तो है कि जो मिस्ट्री हमें ज्यादा लॉजिकल लगती है हम उसी को सच भी मान लेते हैं। इसी वजह से इन कंस्पिरेसीज को हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं और बात करते हैं साइंटिस्ट के कुछ जेन्युइन लॉजिकल रीजन की बरम्यूडा ट्रायंगल को लेकर, जिसमें से पहला है मैग्नेटिक एनोमलीज की वजह से होने वाले नेविगेशनल चैलेंजेस। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे कंपासेस भी इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके ही चलते हैं। इसीलिए काफी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल के पास हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ गड़बड़ी है और इस जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक लाइन भी ट्विस्टेड हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर कंपासेस सही तरह से काम नहीं करते, क्योंकि अगर हम इतिहास में और भी पीछे आएं, क्रिस्टोफर कोलंबस के सफर के दौरान, तो उनके एक लॉग के हिसाब से अमेरिका के कोच के सफर में वो भी समुद्र की एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने ये देखा कि उनके कंपास ने काम करना ही बंद कर दिया था, जिसका मतलब शायद अपने सफर के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस भी बरम्यूडा ट्रायंगल में उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर ये मैग्नेटिक एनोमली मौजूद थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर सच में ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है तो क्रिस्टोफर कोलंबस वहां से कैसे जिंदा बचकर चले आए। इसके अलावा कई साइंटिस्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि बरम्यूडा ट्रायंगल में शिप्स के गायब होने की वजह हो सकती है समुद्र के अंदर मौजूद मीथेन डिपॉजिट, जिसकी वजह से यहां गुजरने वाले शिप्स यही डूब जाते हैं। और तो और कई साइंटिस्ट ने इन एरियाज पर शिप्स और एयरप्लेन गायब होने का रीजन दिया हरिकेन्स, और क्योंकि बरम्यूडा ट्रायंगल करेबियन आइलैंड के पास है जहां पर पहले से ही कई एक्टिव हरिकेन्स और स्टॉर्म होते हैं, इसी वजह से वहां से गुजरने वाले प्लेन्स और शिप्स गायब हो सकते हैं तूफान से उठ रही रॉब वेव्स की वजह से। और ये काफी ज्यादा लॉजिकल रीजन भी है। इसी वजह से जरूरी नहीं कि हर बार किसी इवेंट का कोई मिस्टीरियस कनेक्शन ही हो। लेकिन फाइनली जाकर एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया कि उसने बरम्यूडा ट्रायंगल में हो रही अजीबोगरीब मिस्ट्रीज को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। जी हाँ, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट क्रुजेलनिक ने ये बताया कि बरम्यूडा ट्रायंगल की असली मिस्ट्री है कुछ भी नहीं। वेल, क्रुजेलनिक के हिसाब से बरम्यूडा ट्रायंगल से गायब होने वाले प्लेन्स और शिप का एवरेज परसेंटेज समुद्र में दूसरी जगहों से गायब होने वाले के एवरेज परसेंटेज के बराबर है, जिसका ये मतलब है समुद्री दूसरी जगहों पर और बरम्यूडा ट्रायंगल के हिस्से पर एक समान ही प्लेन्स और शिप गायब हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि बरम्यूडा ट्रायंगल के हिस्से पर ज्यादा ट्रैफिक या फिर ज्यादा शिप्स और प्लेन गुजरती हैं, इसीलिए वहां जहाज गायब होने के चांसेस भी ज्यादा है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि दुनिया में कई और जगहें भी हैं जहां से भी जहाज गायब हो जाते हैं, लेकिन आप में से काफी लोगों ने वहां के नाम भी नहीं सुने होंगे क्योंकि उन जगहों को मिस्ट्रीज और कंस्पिरेसी से जोड़ा नहीं जाता। जिसका मतलब ये तो साफ है कि बरम्यूडा ट्रायंगल में कुछ अजीब नहीं है, लेकिन क्योंकि इस जगह की अफवाहें ज्यादा उड़ चुकी हैं, इसलिए लोग इसको मिस्ट्रीज और कंस्पिरेसी से जोड़ते हैं। तो क्या आप साइंटिस्ट साहब की इस बात से सहमत हैं, या फिर आप भी ये मानते हैं कि बरम्यूडा ट्रायंगल में कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।